एक छत के नीचे रहने वाले, एक घर के अंदर रहने वाला परिवार, परिवार चाहे पांच आदमी का है, पांच सदस्य का है, छह सदस्य का है या तो सात सदस्य का है। अब छह जन्म पत्री आप चेक करेंगे, पूरे परिवार की आप जन्म पत्री चेक करेंगे तो छह सदस्य रहते हैं, उनमें से दो सदस्य की जन्म पत्री ऐसी निकलेगी कि शनि, राहु और केतु, ये तीन में से कोई एक ग्रह ठीक नहीं होगा। वो एक ग्रह ठीक नहीं होने की वजह से परिवार का वो सदस्य हमेशा विपरीत परिस्थितियों का सामना करता रहता है, उनके जीवन में समस्याएं और परेशानियां आती ही रहती है। अब एक की समस्या पूरे परिवार की समस्या बन जाती है। आज जो उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूं, परिवार के कोई भी सदस्य की जन्म पत्री में शनि, राहु और केतु ठीक नहीं है, शनि, राहु और केतु ठीक नहीं होने की वजह से परिवार का वो सदस्य हमेशा विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा है, उनके जीवन में बार बार परेशानियां आती ही रहती है, उनकी परेशानी की वजह से पूरा परिवार परेशान रहता है। आज जो उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये उपाय करके देखें दोस्तों। शनि, राहु और केतु, ये तीन में से कोई भी एक ठीक नहीं है और आप या तो परिवार का कोई भी सदस्य वो समस्याओं का, परेशानियों का सामना करता रहता है। समस्या चाहे कोई भी हो, धन की हो, मन की हो या तन की हो, कोई भी समस्या हो, कम अवश्य हो जाएगी। जो विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं वो परिस्थितियों में बदलाव अवश्य आएंगे। अपेक्षा रखता हूँ वीडियो को बिना स्किप करे देखेंगे, क्योंकि मेरे वीडियोस थोड़े लंबे होते हैं और मुझे ये मालूम है कि आपको लंबे वीडियोस पसंद नहीं है। हर दिन की तरह छोटी रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बिना भूले बजरंग बली को याद करके भगवान श्री राम का नाम जय श्री राम अवश्य लिखेंगे। लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं आपकी मर्जी की बात है, मगर ये उपाय करके देखें, आपके कई कष्ट एक ही उपाय से दूर हो जाएंगे। बजरंग बली को याद करें और जय श्री राम कमेंट बॉक्स में लिख दें, एक बार उपाय करके देखेंगे। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर ले, 8732985130। आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आप मुझे ये नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, मामूली फी लेता हूँ। सभी जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से मिल जाएगी, आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, वो समस्या का समाधान आपको मैसेज के माध्यम से मिल जाएगा। फालतू के मैसेज, फालतू के कॉल प्लीज़ हर दिन छोटी रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे ना करें, फालतू के वीडियोस मुझे ना भेजिए। ये प्रयोग आप शनिवार के दिन करेंगे। एक बात और दोस्तों, रिप्लाई सभी को देता हूँ, आपको भी जवाब अवश्य दूंगा व्हाट्सएप पर। वीडियोस में कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर आकर पूछ सकते हैं। ये वीडियो में नहीं, कोई भी वीडियो में आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, जवाब अवश्य दूंगा मैं। ये प्रयोग आप शनिवार के दिन करेंगे, शनिवार से शनिवार तक प्रयोग करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ अच्छा हो रहा है परिवार में, परिस्थितियों, जो विपरीत परिस्थितियां पैदा हो गई थी वो परिस्थिति में बदलाव आने शुरू हो गए हैं, कुछ अच्छा लग रहा है आपको, तो ये उपाय आप कम से कम 3 महीने तक चालू रखें। 3 महीना
ऐसी एक स्टील की कटोरी लेनी है। अब इस कटोरी के अंदर मैंने थोड़े महीने पहले एक उपाय शेयर किया था कि परिवार के कोई भी सदस्य की जन्म पत्री में मंगल, गुरु, बृहस्पति, चंद्र और शुक्र, ये खुलासा नहीं किया था कि ये चीज रखने से ये चार ग्रह ठीक हो जाएंगे, ये खुलासा नहीं किया था मैंने। मगर शक्कर डालनी है कांच के गिलास में या तो कांच की बोतल में शक्कर डालनी है, ऊपर थोड़ी हल्दी छिड़कनी है और चावल से बोतल को भर देनी है। 30 दिन के बाद वो सभी चीज़ें बड़े पेड़ के नीचे जाके बिखरनी है, फिर से बोतल में भर के रख देनी है घर के ईशान कोण में। अच्छी कमेंट भी आई थी, बहुत सारे लोगों ने मेरी मजाक भी उड़ाई थी, गलत कमेंटों का सामना भी मुझे करना पड़ा था। मगर वो उपाय जो शेयर किया था मैंने, बहुत भाई बहनों ने ये उपाय किया था, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी आए थे, किसी को नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी लग गई, दुकान व्यवसाय ठीक से चलने लगा, दाम्पत्य जीवन की कुछ समस्याएं थी वो समस्याएं दूर हो गई, बहू 2-3 महीने से माता पिता के घर चली गई थी, घर छोड़ के वापस आ गई। ऐसे बहुत अच्छे मैसेज मुझे व्हाट्सएप पर मिले कि आपका ये उपाय हमने किया और हमको ये फ़ायदा हुआ। और बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा भी था कि यह उपाय करने से, मैंने टाइटल में लिखा था करोड़पति को करोड़पति बनाने वाला उपाय, ऐसे कैची टाइटल लिखा था मैंने, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिखा था टाइटल में। और बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा भी था कि आप ये उपाय से करोड़पति बन गए। दोस्तों एक बात आपको बता दूँ कि करोड़पति नहीं हूँ, मगर करोड़पति से कम भी नहीं हूँ मैं, इतने में आप सब कुछ समझ जाए। एक स्टील की कटोरी लेनी है आपको, स्टील की लोहे की कोई भी कटोरी लेनी है। अब इस कटोरी के अंदर लहसुन की 4 कली छिलके नहीं निकालने हैं, लहसुन की 4 कली इस कटोरी के अंदर रखनी है। 1 लौंग रखेंगे, 4 कली लहसुन की, 1 लौंग। 5 उंगली में आए उतनी 4 बार अजवाइन लेनी है, लहसुन और लौंग के ऊपर आप अजवाइन रख देंगे। इस कटोरी को आप खुली ही रखेंगे, ढकेंगे नहीं, इसके ऊपर कुछ ढकना नहीं है। दोस्तों ये प्रयोग आप कोई भी धर्म से है, कोई भी प्रांत से है, कोई भी कंट्री से है और कोई भी अवस्था में ये प्रयोग कर सकते हैं। शनिवार के दिन ये प्रयोग करना है आपको, सूर्यास्त के बाद ये प्रयोग करना है। ये तीनों चीज को आपके घर के अंदर पश्चिम वाली दिशा में, वेस्ट वाली दिशा में थोड़ी ऊपर रख दे। कटोरी को खुली रखे, ढकनी नहीं है कटोरी को, खुली ही रखे। वेस्ट वाली दिशा में आपके शीर्ष से थोड़ा ऊंचे वैसे कोई जगह पर रख दे, कोई अलमारी है या कोई भी चीज़ पड़ी है वहाँ थोड़ा ऊपर रख दे। आपकी पूजा कक्ष है शायद, यहाँ कई घरों में मैंने देखा है कि पश्चिम दिशा में पूजा कक्ष रखते तो वहीं भी रख सकते हैं। मगर घर के अंदर 1 रूम वाला मकान है, 2 रूम वाला मकान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। घर की पश्चिम दिशा में आपके सिर से ऊपर रख दे, शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद। क्या क्या चीज़ें रखनी है दोबारा बोल देता हूँ। 4 लहसुन की कली छिलके नहीं निकालने हैं, 1 लौंग और 5 उंगली में आए उतनी 4 बार अजवाइन लेनी है। लौंग और लहसुन की कली वो अजवाइन के नीचे दब जाएगी। दूसरा शनिवार आए तब इस कटोरी को सूर्य अस्त हो जाए बाद में कोई भी बड़े पेड़ के नीचे जाके तीनों चीज़ों को खाली कर दे, बिखेर दे। घर आने के बाद फिर से इस कटोरी में तीनों चीज रख दे, लहसुन, 1 लौंग और अजवाइन।
बस इतना ही करना है, न कोई मंत्र बोलना है, न पूजा करनी है, न पाठ करना है। आने वाले वीडियोस में बताऊंगा मैं आपको कि ये प्रयोग कैसे काम करता है, कैसे 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 शनि राहु और केतु को कंट्रोल करता है, संतुलित करता है, शांत करता है। दोस्तों जय श्री राम लिख दिया होगा, वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे। भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूरी करें। सर्वदा सर्वत्र महादेवाय नमः। धन्यवाद। वंदे मातरम।